नवरात्रि पर महानगर में विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें दुर्गाबाड़ी परिसर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दिन बंगाली समाज की महिलाएं माता को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। बंगाली परंपरा के अनुसार दशमी के दिन दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन से पहले महिलाएं सिंदूर खेलती हैं। मान्यता है कि दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा 10 दिन के लिए अपने मायके आती हैं। ऐसे में लोग जगह जगह पंडाल लगाकर माता की पूजा अर्चना कर उनकी सेवा करते हैं। 10वें दिन उन्हें महिलाएं सिंदूर लगाकर ससुराल के लिए विदा करती हैं। इस दिन शादीशुदा महिलाओं के सिंदूर खेलने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके सुहाग की आयु लंबी होती है। इस परंपरा के निर्वहन के लिए माँ दुर्गा को विसर्जन के पहले उन्हें पूरी तरह से सजाया जाता है। पान के पत्ते से पूजा अर्चना कर उनकी गोद भरी जाती है और सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद भक्त उन्हें विसर्जन के लिए ले जाते हैं। पेश है गोरखपुर न्यूज चैनल की रिपोर्टर पूजा वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट पंकज विश्वकर्मा की विशेष रिपोर्ट। जानकारी लेते हैं कि माता की मूर्ति को स्थापित किए हुए कितने साल हो चुके हैं और जो कि 2 सालों से कोरोना की वजह से ये धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था, तो इस साल कैसा धूमधाम से मनाने पे कैसा लग रहा है, तो पहले हम यहाँ के आयोजक से जानते हैं। सर, यहाँ पे ये जो मूर्ति स्थापित हुई है ये कितने सालों से स्थापित हो रही है? ये 114वां साल है, 114वें साल में हम लोग मना रहे हैं। चूँकि कोविड की वजह से बहुत सारी व्यवस्थाएँ हमारी नहीं हो पाई हैं, उनके जो रिपोर्ट हैं जिसके अंतर्गत हमको काम करना है, भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करनी है, ये सब हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ पूजा ही पूजा था यहाँ पर और पूरी कंट्रोल के साथ प्रशासन के साथ मिलकर ये कार्यक्रम हम आज 10वीं तक संपन्न कर रहे हैं। और आज का विसर्जन यात्रा जो है वो 5:30 बजे दुर्गाबाड़ी प्रांगण से निकल कर ये क्या नाम है
जाफरा बाजार अली नगर चरणलाल चौक बख्शीपुर होते हुए राघव शक्ति मिलन कमेटी के द्वारा बसंतपुर चौराहे पर होती है। माँ दुर्गा की आरती उतारते हैं श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, उसके बाद फिर हम लोग सीधे बाघा घाड़ा लेकर माँ का विसर्जन करते हैं। और आज सिंदूर खेला एक स्पेशल हम लोग बंगालियों में होती है, माँ को सिंदूर लगाते हैं और उनकी विदाई देते हैं करते हैं, उसके बाद आपस में लोग एक दूसरे को जैसे होली हम खेलते हैं एकदम जस्ट लाइक होली की तरह से सिंदूर खेला को हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। तो यहाँ जैसे माता की आज विदाई है तो जैसे बेटियों की विदाई की जाती है उस तरह से विदाई की जाती है, तो एक तरह से आपकी आंखें भी नम होंगी थोड़ी, क्योंकि चार नौमी नौ दिन माता का भजन कीर्तन और आज विदाई है, तो आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल स्वाभाविक है और देख भी रहे हैं कि आवाज बढ़ जा रही है। अगले साल भी माँ को बुला रहे हैं तो हम बेटी की तरह विदा कर रहे हैं, बेटी की तरह आएंगी जी। एकदम बिल्कुल सही बात है, अगले साल हो सकता है हमारे लिए कोविड ना भी रह सकता है, अगर नहीं रहेगी तो विशाल धूमधाम से जैसे हम लोग अपने परंपरा को मनाते चले आ रहे हैं एकदम वैसे ही मनाएंगे। तो जैसे माँ ने मतलब असुर महिषासुर का वध करके जैसे सबको राक्षसों से मतलब देवी देवताओं को जो मतलब विजय दिलाई उन पे और राक्षसों को जिस तरह से मतलब मार के उनके भय से मुक्त कराया देवी देवताओं से, तो वैसे ही हम विनती करते हैं कि माँ इस कोरोना रूपी राक्षस को भी मतलब ख़त्म करे और सब सुख समृद्धि से पूरी दुनिया चले। जब जब दुष्टों का प्रहार हुआ है, कोई भी बीमारी हुई है, यूँ आपको हम याद दिला दें कि बहुत पहले जब दुर्गा पूजा दुर्गावाड़ी की शुरुआत हुई थी उस समय क्षय रोग की शुरुआत हुई थी, फ्लैग की बीमारी बहुत भयंकर रूप से थी, उसी को ख़त्म करने के लिए दुर्गावाड़ी ने पहली बार गोरखपुर सदर हॉस्पिटल के अंदर माँ दुर्गा का पूजा किया, जिसके CMO साहब बंगाली थे जिन्होंने अपने शासनकाल में वहाँ पर हमको स्थान दिया और फ्लैग की बीमारी दूर हो इसके लिए माँ की प्रार्थना करके पूजा की शुरुआत हुई। आपसे बात करके हमें बहुत सारी जानकारी मिली, तो आपका नाम? मेरा नाम अशोक देव नीलू, मैं दुर्गावाड़ी म्यूजिक स्कूल के डायरेक्टर के रूप में यहाँ हूँ। इसके पूर्व मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में था लेकिन सारी गतिविधियाँ देखते ही रहते हैं। तो अभी सिंदूर खेला का जो उत्सव है वो चल रहा है? अभी चल रहा है, ये करीब करीब चलेगा 2:30-3 बजे तक, चूँकि 11 बजे से प्रारंभ हुआ, विसर्जन के बाद ही माँ की प्रतिमा को छूने का अवसर प्राप्त होता है, तो सारी बंगालीज नॉन बंगालीज जो यहाँ की परंपरा से अवगत हैं वो सभी लाइन में लग करके माँ का सिंदूर ले रहे हैं, माँ को प्रसाद भी खिला रहे हैं और आपस में एक दूसरे से होली का खेलते हुए इस परंपरा को कायम रखे हुए। यहाँ के माहौल को देख के लग रहा है कि मिनी कोलकाता यहाँ आ गया है। एकदम मिनी कोलकाता, कोलकाता के लोग यहाँ आते हैं उनको यहाँ अच्छा लगता है, बल्कि उनका कोलकाता हल्का लगता है, क्योंकि कोलकाता में जगह जगह होती है तो एक समुदाय एकत्र नहीं होते हैं और यहाँ एक ही गढ़ है और यहाँ सारे के सारे लोग आते हैं, इसलिए इस उत्सव का महत्व कुछ ज़्यादा ही रहता है। चलिए अब सिंदूर खेला का जो उत्सव हो रहा है हम उसकी तरफ चलते हैं। सिंदूर खेला का क्या महत्व है हम इनसे जानते हैं, तो आप लोग जो सिंदूर खेला जो उत्सव होता है वो किस लिए खेला जाता है और इसका क्या महत्व है ये आप हमें बताएं। ये माता का सिंदूर हम लोग माता को लगाते हैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए, ताकि माँ हम लोग का सुहाग अमर रखे, अखंड सुहाग बना रहे, और बहुत अच्छा लगता है माँ को सिंदूर लगाना। हम लोग तैयारी भी 2 दिन पहले से रहते हैं कब माता को सिंदूर लगाने में सौभाग्य प्राप्त होगा। माँ को जैसे विदाई देते वक्त आप माँ को जैसे एक बेटी को विदाई दी जाती है मीठा खिलाकर उनको तैयार करके, वैसे आप विदाई देते हैं, वैसे विदाई देते हैं माँ को सिंदूर लगा के मीठा मुँह मीठा करके और पान खिला के उनको विदा करते हैं। आप लोग भी जरा एक बार जैसे आप लोग खेलते हैं जरा आप लोग दिखाएं सिंदूर लगा के। ये सिंदूर खेला का जो प्रोग्राम होता है वो सुहागनों के लिए बहुत महत्व रखता है। इस तरह से बेटी की विदाई में सिंदूर दान होता है, तो हम लोग बेटी की मांग में सिंदूर लगा के अपनी मांग में सिंदूर लगाते हैं ताकि बिटिया का सिंदूर अमर रहे और उसके सिंदूर से हमारा सिंदूर। तो यहाँ तो माँ है तो माँ के सिंदूर से हम लोग बेटी हैं, बेटी का सिंदूर तो अमर होगा ही होगा ना। तो ये 2 सालों से जो कोरोना कोविड की वजह से ये प्रोग्राम सारे नहीं हो पा रहे थे, इस साल तो बड़े धूमधाम से हो रहा है, तो कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये मूर्ति माँ की जो बैठी है उसको देख के अभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ इतना उत्सव मनाया जा रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। मैं रात में 11 बजे तक थी डांडिया खेलने की, लेकिन
अभी बहुत लेट था, मैं फिर चली गई। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो आपने देखा यहाँ सिंदूर खेला का प्रोग्राम चल रहा है और सब बहुत ही खुशी से मना रहे हैं इस उत्सव को। तो अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो मूर्ति बैठी हुई है उनके दर्शन कराते हैं आपको। माँ को विदाई देते वक्त एक विशेष प्रकार की ध्वनि जो निकाली जाती है उसके बारे में हम इनसे पूछते हैं। जो विशेष प्रकार की ध्वनि माँ को विदाई देते वक्त आगमन के समय निकाली जाती है तो वो किस लिए निकाली जाती है, आप उसका वो ध्वनि हमें निकाल कर बताएंगे? जी हाँ, पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। हाय गाइस, दिस इज तरु एंड दैट फ्रॉम द सोमिता। आई एम द ट्रेनर एंड द CRM इन द मैपलाइफ ग्रुप ऑफ कंपनीज लखनऊ, बट राइट नाउ आई एम द फैमिली, आई एम द एसोसिएशन मेंबर ऑफ दुर्गाबाड़ी। माँ को बिकॉज आई एम द ओरिजिनल बंगाली फ्रॉम द कोलकाता साइड, तो माँ को जब जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम म्यूजिक के साथ स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारी होली स्पिरिट हम अपनी माँ को जब घर में आगमन देते हैं तो एक विशेष ध्वनि निकाली जाती है जिसको उलू ध्वनि कहते हैं। इससे क्या होता है कि माँ को आते वक्त खुशी होती है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर पे आ रही हूँ, क्योंकि वो मठ आकाश लोक में रहती है, वो मठ लोक में कुछ दिन बिताने आती है। तो जब वो आती है तो वो ये खुशी मनाती है कि चलो मैं अपने घर जा रही हूँ। तो जैसे बेटी अपने घर पे आती है और उसके माँ बाप उसका स्वागत करते हैं, तो वैसे हम उनके बच्चे हैं, वो हमारी माँ है, तो हम उनका स्वागत एक उलू ध्वनि से करते हैं जिसको ऐसे कहते हैं। इसे उलू ध्वनि को, इसे क्या होता है कि एक हमारी स्पिरिचुअलिटी या फिर पॉजिटिविटी को बहुत एनर्जी मिलती है। और वैसे ही जब हम माँ हमसे दूर जाती है, यानी कि हमारे परिवार का कोई इस तरह से जब हमसे दूर जाता है, तो भी हम उनको खुशी खुशी विदा करने के लिए इस ध्वनि का प्रयोग करते हैं कि माँ जिस तरह तुम इस बार आई थी फिर जा रही हो, फिर अगले साल फिर से आना, तुम्हारा आना हमारे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम आती हो तो ढेरों खुशियाँ लेकर आती हो, ढेरों आशाओं को लेकर आती हो, और तुम्हारी हम अपने पूरे साल हम सपने सजोते हैं कि तुमसे ये मांगेंगे वो मांगेंगे सब कुछ मांगेंगे और तुम वही पूरा करने आती हो। इसीलिए जाते वक्त यहाँ तो नहीं बट कोलकाता साइड में माँ को इलिश माछ खिला के विदा किया जाता है कि आप घर से जा रही है तो कुछ अच्छा खा के जाइए और मीठा खा के जाइए, 5 सुपारी हाथ में लेके जाइए और जब अगले साल आइएगा तो एकदम धमाकेदार आपके फिर से एंट्री होनी चाहिए। तो ये था मेरा स्पिरिचुअलिटी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी सिंदूर खेला और जो विशेष ध्वनि निकाली जाती है उसके बारे में मैंने आपको बताया, और हमारे यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनसे आपने यहाँ के बारे में जाना कि यहाँ पे जो माता को बैठाया जाता है, जो मिनी कोलकाता यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो किस तरह से यहाँ पे माता का जो उत्सव मनाया जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर माँ की विदाई का उत्सव कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है, और यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उन्होंने माँ के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो अपने हिसाब से उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो गोरखपुर न्यूज़ के जरिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो रिपोर्टर पंकज के साथ मैं पूजा वर्मा, गोरखपुर न्यूज़।